नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम पुणे में शिफ्ट हो ही गए हैं तो, और मॉनसून भी है तो यहाँ की सारी जगहें कवर करनी है और आपको उसकी वीडियो शेयर करनी है, ताकि आप अगर यहाँ घूमने आए या फिर यहाँ रहने वाले हैं तो फिर आप ये सारी जगह घूम पाए। और मैं आपके साथ यहाँ की जगहों की पूरी डिटेल्स शेयर करूँगी, ताकि आपको ईजी रहे हर जगह को कवर करना। तो आज मैं आई हूँ बागेश्वर मंदिर, जो कि वाघोली में है, पुणे में। ये पांडव्स के टाइम का मंदिर है, बहुत ही सुंदर शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे आपका शमशान घाट भी है, और लेकिन यहाँ पे फिर भी मंदिर में पूरी भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं। ऐसा जैसे हमारी साइड नॉर्थ में माना जाता है कि शमशान में लेडीज़ नहीं जाती या कुछ ऐसा, यहाँ कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत शांति मिलेगी। बहुत ही प्यारा मंदिर है, मैं हर मंडे यहाँ आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मंदिर के बाहर ही आपको पूजा सामग्री का सारा सामान मिल जाएगा, वहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे होते हैं और एक शॉप भी है जहाँ पूजा का सारा सामान मिलता है। चलिए आइए अंदर चलते हैं। एक तो पुणे साइड के मंदिरों की जो बनावट है और ये जो ब्लैक पत्थर यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो आई एम श्योर आपको ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही लगेगा और बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पे सब इसकी खूबसूरती एक छोटे से पॉन्ड से है, जहाँ पे शिव जी के जैसे सर से धारा बहती है, पानी बहता है, वैसे ही यहाँ पे भी इन्होंने एक पॉन्ड में एक बीच में एक फाउंटेन सा लगाया हुआ है। और वहाँ पे बोटिंग भी होती है, जो कि दिन में ही खुली रहती है। इस तरफ एक मंदिर है, मुझे हम कभी इस तरफ गए नहीं, कोई जाता हुआ भी नहीं दिखा, तो नॉट श्योर। यहाँ नाना नानी पार्क भी है, पर हाँ प्लीज़ यहाँ पे कपड़ों का पूरा ध्यान रखिएगा, और ढंग से कपड़े पहन के आइएगा, सोबर कपड़े, लंबे अच्छे कपड़े पहन के आइएगा ढंग से, क्योंकि यहाँ पे पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट, और जो कि होना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका हमारा मेन टेम्पल, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। नंदी जी के दर्शन आप सामने कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, है ना, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। आइए आगे चलते हैं और जल चढ़ाते हैं। आज मंडे नहीं है तो श्रृंगार बहुत डिफरेंट है, आप एक ओरिजिनल शिवलिंग देख पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे। मंडेज़ को मैं आती हूँ तो यहाँ पे उन पे सिल्वर का श्रृंगार हुआ हुआ होता है, वो एक अलग ही रूप होता है। मैं कोशिश करूँगी किसी दिन वो रूप भी आपके साथ शेयर करूँ। चलिए आइए आगे चलते हैं। आज भी बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ हुआ है, क्योंकि सावन चल रहा है। हालांकि महाराष्ट्र का सावन अभी शुरू नहीं हुआ, उनका दो हफ्ते बाद होता है, पर नॉर्थ का शुरू हो चुका है, तो उस हिसाब से भी इन्होंने बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की हुई है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे हर शिवलिंग के बाहर, जैसे हमारी साइड में सिर्फ नंदी जी होते हैं, यहाँ पे एक कछुआ भी रहता है। आई एम नॉट श्योर ये कौन से भगवान जी को डिनोट करता है, अगर आप में किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे सुंदर चीज़ जो आपको लगेगी ना, अंदर जाते ही आपको ओम की आवाज़ आएगी। मैं जनरली जो नेचुरल आवाज़ होती है उसे म्यूट करके सिर्फ अपनी आवाज़ डालती हूँ, इस वीडियो में मैंने वो आवाज़ रहने दी है, क्योंकि आप अगर देखेंगे, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बाहर चिड़ियों की आवाज़, जो कि बहुत ही प्यारी थी, और अंदर आने के बाद में ओम के जाप की आवाज़ आ रही है, जो कि जबकि यहाँ पे मुझे कहीं पे भी कभी भी कोई स्पीकर लगा हुआ नहीं दिखा। आई बिलीव कि इस मंदिर की बनावट ऐसी है कि यहाँ पे ओम की आवाज़ हमेशा आती रहती है, आपको वीडियो तक में उसकी आवाज़ आएगी। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। मैंने मंदिर के अंदर काफ़ी समय लगाया, वीडियो काफ़ी देर तक बनाई, ताकि आप वो ओम की आवाज़ सुन पाएँ और उसे इंजॉय कर पाएँ। और शिव जी का आज अगर आप रूप देखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत ही प्यारा श्रृंगार उनका किया गया था। आज सावन का पहला दिन था, और ये देखिए इस कितना सुंदर मंदिर है, कितना प्यारी आकृति है, कितना सुंदर बना हुआ है। पांडव्स ने आके ये काम बहुत अच्छा किया, ये शिव जी का मंदिर बहुत सुंदर बनाया। ये अखंड ज्योत है सामने, जो हमेशा जली रहती है, बहुत ही सुंदर पुराने टाइम का ज्योत जलाने का है वो, आई एम नॉट श्योर क्या बोलते हैं उसे, आई फॉरगॉट द नेम। वो देखिए सामने से नंदी जी दिख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा मंदिर,
ऊपर से कितना सुंदर है, ओम नमः शिवाय का बोर्ड आपको दूर से दिखता है रोड से, वो सामने की तरफ रोड है। और ये रहा वो बोर्ड जिसकी मैं बात कर रही थी, और ये रही वो बोर्ड्स। जब मैं नई नई आई थी तो ये पुरानी बोट्स थी यहाँ पे, तो हम लोगों को बहुत डर लगा था बोटिंग करने पर हमने फिर भी की। अब तो सारी नई बोट्स आ गई हैं, तो आई एम श्योर आपको डर भी नहीं लगेगा एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बात की थी ना कि एक शिवलिंग की शिव जी की जो सर से धारा निकलती है, उस तरह का इन्होंने एक फाउंटेन बनाया हुआ है। आइए आपको वो भी दिखा देती हूँ, वो रहा सामने, आइए पास से दिखा देते हैं। ये देखिए, तो आप बोटिंग करते हैं तो इसका पानी भी आपके ऊपर थोड़ा सा आता है, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको यू विल एंजॉय दिस एज वेल। ये मंदिर बिल्कुल रोड पे बना हुआ है, तो आपको वो सामने जो रोड है वहाँ से ही मंदिर के दर्शन होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए परिक्रमा कंप्लीट करते हैं। मंदिर साफ़ सुथरा है, सब लोग यहाँ पे क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, ये चीज़ मुझे महाराष्ट्र की बहुत अच्छी लगी है। अच्छा हाँ, यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह की भी व्यवस्था है, तो आपको अगर टाइम लग जाए, आप कहीं घूम के आ रहे हैं, तो आपको उस चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप भी यहाँ विज़िट कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ये जगह कैसी लगी, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, आई एम वेटिंग फॉर योर सब्सक्राइब। बहुत व्यूज़ आ रहे हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, प्लीज़ डू दैट। लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। मेरी बेटी और मैं बहुत मेहनत कर रहे हैं इन वीडियोज़ पे, आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ व्यूज़। बाय बाय गाइज, टेक केयर, मिलते रहेंगे, बाय बाय। भोलेनाथ की जय।